हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। कई बार घर पे आपको अचानक खबर मिलती है कि अरे 10-15 मिनट में कोई आ रहा है, तो आपको लगता है कि क्या बनाएं घर पे, भाई चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। मेरे पास एक सलूशन है, नायलॉन खमन बनाते हैं, ठीक है ना। इसको नायलॉन ढोकला भी बोलते हैं। ये ढोकला थोड़ा सा यूनिक है, ये इंस्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, बेसन से बनता है। तो इंस्टेंट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बोल लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, बोल ले लेते हैं और बोल में पानी डालते हैं। बड़ा यूनिक मेथड है, मुझे किसी मतलब गुजरात से लेडी है, उसने बताया है, तो उसकी मेथड फॉलो करेंगे। तो घर पर जो पीने वाला पानी का ग्लास होता है ना, जो लगभग 250 ml होता है, ये थोड़ा सा कम है, ये मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। ये लीजिए, पीने का जो ग्लास होता है उतना ही, बस 250 ml, ठीक है जी। उसमें क्या क्या करना होता है, देखो, एक नींबू का रस, उल्टा मेथड है ये, बहुत ही यूनिक है। 2 चम्मच शक्कर के डालने हैं, ठीक है जी। ये भी इसको मिक्स कर लें, इसमें ही सॉल्ट डाल लेते हैं थोड़ा सा, करिएगा टन 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 टन, क्या बात है। ये लीजिए, नमक डाल लिया, मिक्स कर लें इसको। ये मजेदार बातें होती है मेजरमेंट्स की, है ना। सबके घरों की और यूनिक और ट्रेडिशनल तरीके होते हैं बनाने के, उनमें से ये एक चीज है आपको बता रहा हूं मैं। अब इसमें बेसन डालेंगे और एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे, जो कि आप जब चम्मच लेके ड्रॉप करेंगे ना, तो वो पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये लीजिए, नींबू पानी बन गया। अब इसके पहले मैं कुछ और करूं, मैं ना ये अदरक और हरी मिर्चें पीस लेता हूं, दरदरा पीसेंगे। ये जार ले लेते हैं, इसमें हरी मिर्चें डाल लेते हैं, 4-5 हरी मिर्चें डाल लें, मैंने लगभग 5-6 लिए, और अदरक डाल लें 1 इंच टुकड़ा, थोड़ा दरदरा सा पीसना है। थोड़ा पानी डाल लेता हूँ इसमें, और दरदरा सा पीस लिया मैंने, है इसमें काफी दरदरापन है। ये देखिए, ये डाल लेते हैं इसमें, क्या बात है, डल गया। अब इसमें बेसन तब तक डालें जब तक आपको बैटर की वो कंसिस्टेंसी ना मिले, ठीक है। बेसन डालते रहेंगे, ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, लगभग 2 कप से थोड़ा सा ज्यादा बेसन गया। देखिए कंसिस्टेंसी कैसे, देखिए ये देखिए, तार जो है ना वो फॉर्म होती है, टूटती नहीं है तार, ठीक है जी। इसको अलग रख देते हैं और इसमें अब हल्दी डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच, 1 पैकेट इनो आता है जो छोटा वाला, वो डाल लें, या 1 छोटा चम्मच इनो, ये डाल लेते हैं, और सिट्रिक एसिड 1 चुटकी भर, 1/4 से छोटा चम्मच होना चाहिए सिट्रिक एसिड, ठीक है। और अगर नींबू फूल जिसको कहते हैं हम, और अगर वो ना हो तो बेकिंग सोडा डालिएगा 1/4 छोटा चम्मच या 1/2 छोटा चम्मच। इसको हम अभी मिक्स कर लेते हैं, साथ ही साथ तेल भी डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच,
मिक्स कर लीजिए आप। अब ये बैटर बढ़िया फूलेगा। देखिए नींबू का फूल डाला है और हमने इनो डाला है, तो ये बढ़िया फूलेगा। इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इसको अच्छे से फेंटना है अपने, ताकि जो इनो है अंदर तक मिल जाए और झाग जो है वो अच्छी बन जाए। ठीक है जी, ये लीजिए। अब इसको मैं थोड़ी देर तक छोड़ दूंगा, 5 मिनट तक। यहाँ पे स्टीमर हमने तैयार करके रखा है। स्टीमर की कुछ चीज़ें जो है वो ये है कि आपने इस तरह से ढक्कन पे कपड़ा लगा लेना, ताकि जो स्टीम फॉर्म होती है वो नीचे ना गिरे, वरना ढोकला खराब हो जाएगा। ठीक है जी। और पानी देख लें, पानी इसमें थोड़ा और लगेगा मुझे, ये लीजिए। और थोड़ी देर बाद ये वाले बोल में डालूंगा, तब तक मैं काम करता हूँ, तेल लेके ब्रश कर लेते हैं, ये लीजिए। ये लो, क्या बात है, इसको रख लेते हैं। सारी तैयारी हो गई स्टीम करने तक की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताएंगे आपको। चलिए अब इसको एक बार फाइनली मिक्स करते हैं और ये डाल लेते हैं इसमें। अब इसमें प्रोसीजर ये है कि जब भी आप ये इस तरह की डिश, ट्रे, थाली भरते हैं, तो इसको 3/4 भरना है, तब जाके सही होता है। अब इसको हम अपने स्टीमर में डाल लेते हैं। आइए, वाह, ये बंद कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरा जो ये इंडक्शन वाला प्रोसेस है, तो मुझे लगभग 20 मिनट के आसपास लग जाएंगे, लेकिन आप 15 मिनट के बाद या 16 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लें कि ये पका कि नहीं ठीक से। बट आई एम सेइंग दैट 20 मिनट तक लग जाएंगे, क्योंकि हमारा इंडक्शन जो है वो ऑटो कट वाला है। तो घर पे जब गैस पे पकाएंगे ना, तो 15 मिनट के अंदर ये पक जाता है। ठीक है जी। और ये हम अब पकाएंगे, थोड़ा सा भार रख देते हैं इस पर, स्टीम भागे नहीं। चलिए, और तैयारी करेंगे तड़का लगाने की। तो चलिए, लगभग 20 मिनट हो गए हैं। केक प्रोसीजर जो है वो उस तरह से पता कर सकते हैं आप। ये बीच में डाल के देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया 15-16 मिनट होने के बाद आप चेक करके डाल सकते हैं। जनरली हाई फ्लेम गैस पे 12 मिनट के आसपास होने लगता है, तो 12 से 15 मिनट के बीच में हर एक का गैस प्रेशर वगैरह अलग होगा, उसके हिसाब से ये चेक कर लेते हैं। ये रही लकड़ी, ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ये अंदर तक जाता है, धीरे से निकालिएगा। ये देखिए, बढ़िया, ये देखिए, ये बढ़िया निकल गया। अब हमारी ये तैयारी तो हो गई, इसको निकाल लेते हैं। तो निकाल लेता हूँ दिस। बढ़िया, अब दो काम करने हैं मुझे। नायलॉन खमन या इंस्टेंट ढोकला जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसमें पानी ले लेते हैं 1/4 कप, 2 बड़े चम्मच शक्कर के डालने हैं। और ये वाला थोड़ा मीठा होता है। ठीक है जी। जो नॉर्मल चना दाल से बनता है वो जनरली मीठा नहीं होता है। तो यहाँ मैं ये शुगर सिरप बना लेता हूँ, क्योंकि इंस्टेंट होता है इसलिए सॉफ्ट रखने के लिए ये करना पड़ता है, वरना गले में लगता है, खाने में दिक्कत होती है। इसलिए तो जो नेचुरली फर्मेंट होता है चना दाल से, उसे खाने में दिक्कत नहीं होती, वो गले में नहीं अटकता। ये शुगर सिरप इसमें इसीलिए बनाई जाती है। ये लीजिए, शुगर सिरप बना दी हमने, शक्कर का पानी बन गया। अब इसमें डाल लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है जी। ये मैं साइड से भी थोड़ा रिलीज कर देता हूँ, ताकि पानी अंदर तक चले जाए। ये लीजिए, बहुत बढ़िया। तड़का लगाना है, उसके लिए तेल लगभग 1.5 बड़ा चम्मच लें, गरम होने पे
हींग डाल लेंगे। ये लीजिए हींग, बेसन है तो हींग काम करेगी, ठीक है जी। और जब तक हींग का काम बढ़िया होता है, हम यहाँ पे मिर्चें ले लेते हैं 4-5। ये लीजिए मिर्चों को काट लेते हैं। ये मिर्चें काट ली भाई, फूट फूट के रोएगी हरी मिर्चें। थोड़े से अच्छे से पहले पका लेते हैं, हरी मिर्चें पहले डालिएगा क्योंकि इनका जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, खाने में मज़ा आता है हरी मिर्चें हैं तो। ये देखिए अब बढ़िया है, ढेर सारा करी पत्ता, ठीक है। ये लीजिए डाल लिया, बढ़िया। अब ये मैं तड़का ले लेता हूँ, तड़का लेके इस पे लगा देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे का सारा तड़का ये निकाल के इस पे डाल दिया भाई। ढोकला एकदम स्पॉन्जी बना है, बढ़िया तैयार है। इसको मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, साइड्स रिलीज कर दिए हमने, कोशिश करते हैं थोड़ा काट लेते हैं, ठीक है। वाह, और एक पीस निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ये वाह जी वाह, क्या बात, ये देखिए ये है बढ़िया स्पॉन्जी ढोकला, ये देखिए क्या बात है, मजेदार बढ़िया स्पॉन्जी भाई। ऐसा ढोकला मिल जाए ना तो मजा ही कुछ और है। ये है नायलॉन खमन, जिसको कहते हैं इंस्टेंट खमन।